इंडिया में ऑडिशंस लेने नहीं आते लोग, बहुत कम लोग हैं जिनको ऑडिशंस लेने आते हैं। इट वाज सो पावरफुल इवन द ट्रेलर एंड ही हैज सम अदर ही इज अ जीनियस आई फील ही इज अ जीनियस यू नो एंड ऑफ कोर्स अल्फोंसो क्यूरोन हैज आल्सो सेड दिस सो आई एम बडी बट उस समय दोस्ती हुई फिर देन आई प्रपोज्ड हिम एंड आई डोंट बिलीव इन डेस्टिनी एट ऑल मुझे लगता है कि इतने करोड़ों पॉपुलेशन में किसी के साथ कुछ ना कुछ होगा ही तो आई डोंट थिंक ये मेरे साथ क्यों हुआ मेरा नसीब ऐसा है आई डोंट बिलीव इन दैट एट ऑल तो आई वॉज वॉचिंग गुल्लक आई वॉज जस्ट अमेज्ड कि ये शो मैंने पहले तो अवॉइड किया था फॉर सम टाइम आई वॉज थिंकिंग ठीक है देयर इज सो मेनी शोज गोइंग ऑन अभी ये कौन देखेगा एंड देन व्हेन आई स्टार्टेड वॉचिंग इट वी जस्ट बिंज्ड इट वी लिटरली बिंज्ड थ्रू सीजन वन लव कम्प्लीटली लव्ड इट एंड ऑल ऑफ यू ऑल नॉट एनी वन पर्सन आई लव एवरीवन्स परफॉर्मेंसेस वी लव द डिपिक्शन वो घर का जो माहौल दिखाया है उसका जो एस्थेटिक दिखाया है हम लोग बहुत रिलेट कर पाते थे कि यार मिडिल क्लास फैमिलीज में ऐसा ही होता है तो रिलेशन को दिखाया सो लेट्स टॉक अ बिट अबाउट दैट हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस फॉर यू बीइंग अ पार्ट ऑफ सच अ वंडरफुल शो I feel very fortunate to be part of Gulag because जब मेरे पास स्क्रिप्ट आई और जब उन्होंने कहा कि नहीं हम चाहते हैं आप ये रोल करें बट वे जस्ट स्केर्ड कि आप मराठी हैं तो आप ऐसी हिंदी बोल पाएंगे क्या क्योंकि इसमें एक एक्सेंट भी है तो राइट राइट मैंने कहा मैं तो करना चाहूंगी बिकॉज क्या हुआ था कोर्ट के बाद जो रोल्स आ रहे थे वो कोर्ट वाले ही आ रहे थे या एक नहीं पर्टिकुलर कोर्ट वाले से भी ज्यादा यही आ रहे थे मराठी बैकग्राउंड की कोई मतलब अगर कोई कैरेक्टर हो कोई किरदार हो तो वैसे आई डिड मुक्ति भवन इन दैट आई प्लेड अ नॉर्थ इंडियन मॉम या फिर मॉम या फिर छोटा रोल या फिर महाराष्ट्र बैकग्राउंड ऐसे कुछ आई वाज जस्ट नॉट वेरी हैप्पी विद व्हाट एवर आई वाज ऑफर्ड उसमें से जो अच्छा मिला फोटोग्राफ रितेश बत्रा के साथ किया रोहिणा गिरे के साथ सर की मुक्ति भवन की शुभशीष के साथ तो ये अच्छे प्रोजेक्ट्स आए और रोल छोटे थे लेकिन आई एंजॉयड वर्किंग विद देम बट अदर देन दैट आई देयर वाज नथिंग व्हिच वाज यू नो रियली मतलब मुझे लग रहा था कि कुछ उसमें मीठी है एंड दैट टाइम गुल्लक हैपेंड एंड दे वर आई सेड कि आई विल पुट इन एवरीथिंग अगर आपको लास्ट मोमेंट पे लगे कि मैं नहीं कर पा रही हूँ तो यू टेक अ डिसीजन आई वोंट माइंड बट आई विल पुट इन एवरीथिंग बिकॉज आई लव द स्टोरी जब मैंने पढ़ा मतलब उन्होंने नरेट भी किया और मैंने पढ़ी भी स्क्रिप्ट तो मुझे ना वही मैंने जो कहा कि मैं जिस प्रकार के मैंने सीरियल्स देखे थे डीडी पे या जिस प्रकार की फिल्में देखी थी तो वो मुझे मतलब वो जो भाग नुक्कड़ है या ये जो सिटकॉम्स देखे थे उस किस्म का ह्यूमर था उसमें एंड एट द सेम टाइम इट वाज नॉट नॉस्टैल्जिक इट वाज अबाउट टुडे यू नो अबाउट द बॉयज आर टॉकिंग अबाउट टुडेज सिचुएशन इवन मम्मी एंड पापा आर टॉकिंग अबाउट टुडेज सिचुएशन सो मुझे बहुत अच्छा मिक्स लगा एंड आई लाइक द सिंप्लिसिटी ऑफ इट और तब क्या हुआ था जब मेरे पास गुल्लक आई तब सीक्रेट गेम्स और यू नो सब बड़े बड़े शोज और मार धाड़ बिकॉज सबको सब सब मतलब एक छूट मिल गई थी कि सेंसर बोर्ड नहीं है तो जो चाहे वो करो वो सब कर रहे थे और तब तो ये शो आया तो मैंने कहा कौन देखेगा ये जब इतना सब मतलब वायलेंस सेक्स और गाली गलौज हो रहा था एवरीबॉडी वाज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट बिकॉज़ नोबडी हैज सीन दैट काइंड ऑफ थिंग ऑन स्क्रीन बिकॉज़ इट्स सेंसर बोर्ड तो आई सेड बट आई लाइक इट एंड इट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट एंड आई कैन रिलेट टू द कैरेक्टर्स आई कैन रिलेट टू द स्टोरी एंड ऑफ कोर्स देयर इज अ चैलेंज दैट आई हैव टू यू नो डू दिस एक्सेंट तो एंड इट वाज अ वेरी स्मॉल शो व्हेन वी डिड इट वी कंप्लीटेड दैट शो इन 14 डेज आवर फर्स्ट सीजन वी शॉट फॉर 18 आवर्स अ डे वी डिडंट हैव एनी फैसिलिटी बिकॉज इट वाज नॉट Where इट was वाज it अ shot? टीवीएफ प्रोडक्शन हाँ Where was it shot? भोपाल ओह अच्छा हम लोग ऑल सोच द थ्री वो भी सीजन आर सोच शॉट इन भोपाल रहे थे कि कहीं यूपी में है कि कहीं और है ऐसा सोच नहीं वी शॉट इन भोपाल और टीवीएफ का इन हाउस प्रोडक्शन था पता नहीं था वेदर इट विल बी ऑन एनी प्लेटफॉर्म एज सच तो टीवीएफ के यूट्यूब चैनल पे आएगा ये तो श्योर था ऑफकोर्स बट दैट वॉज देयर फर्स्ट शो विच दे शॉट आउटसाइड बॉम्बे ओह सो अच्छा वो भी एक था तो सब सब नए ना इट वॉज लाइक अ स्टार्टअप तो पता नहीं था क्या बट आई एंजॉयड वर्किंग ऑन इट आई वॉज रियली एग्जॉस्टेड आफ्टर द फर्स्ट सीजन आई थिंक 14 दिन के काम के बाद मैं ऑलमोस्ट फॉर अ मंथ आई वॉज लाइक नंब आई कुडंट डू एनी थिंग बिकॉज
18 आवर्स का शूटिंग एंड आई हैड टू फोकस सो मच बिकॉज मुझे ये प्रूव करना था कि मैं बिल्कुल एक बिल्कुल ही महाराष्ट्र मेरा एक्सेंट नहीं है, तो वो मेरा ये था कि नहीं मैं दिखाऊंगी तो शायद उस वजह से मैं बहुत ही फोकस थी एंड एक्चुअली दैट हेल्प मी अ लॉट बिकॉज ऑफ दैट फोकस यू नो मेरी जो कमांड थी वो आ गई. तो इन द सेकेंड इन द थर्ड सीजन आई वाज नॉट आई डिडंट दैट हैव दैट अप्रिहेंशन की वेदर आई बी एबल टू डू इट और नॉट, सो दैट हेल्प मी अ लॉट. एंड हमारे 10 दिन की रिहर्सल में वी जेल्ड लाइक एनीथिंग. जमील जमील तो आई न्यू मतलब बहुत पहले से मैं जानती थी बिकॉज वी हैड डन अ प्ले टुगेदर एंड आई न्यू हिम. लड़के नए थे तो ऑफकोर्स पहले यू नो थोड़ा सा रिहर्सल में हाँ हेलो हाय थोड़ा सा फॉर्मल हो गया, बट बोथ द बॉयज आर सो स्वीट इन द सेंस बदमाश भी है लेकिन एट द सेम टाइम उन्होंने वो जो माहौल क्रिएट किया ना जो हंसी मजाक का माहौल क्रिएट किया उसकी वजह से हम बिल्कुल घुल मिल गए एंड दैट एवरीबडी गेव दैट काइंड ऑफ टाइम यू नो. सुनीता ने भी टाइम दिया, जमील ने भी टाइम दिया, दो बच्चों ने भी टाइम दिया. तो वी स्पेंड अराउंड 10 डेज बिफोर द फर्स्ट सीजन जो आज तक हमको जिसकी मदद हो रही है, वो जो घुल मिल जाना है वो बिकॉज of that it happened and of course script is the किंग hero heroine of the show. राइट script इतनी बढ़िया है और TVF वाले उतना उसमें बहुत मेहनत लेते हैं. that is मतलब अरुणा श्रेयांश निखिल अमृत पलाश दुर्गेश जो जो हर एक सीजन में आए हैं they have put in so much of effort in the writing कि श्योर it really helps the actor you know to just यू नो आप एक थोड़ा थोड़ी मेहनत ले लो तो आपका काम हो जाता है. इतना अच्छा काम स्क्रिप्ट पे किया होता है राइट राइट बहुत अच्छा मतलब क्रिएटिवली इट इज अ वेरी सैटिस्फाइंग थिंग बिकॉज ना पांच ही एपिसोड्स होते हैं और एक पूरा मंथ दिया जाता है पूरा काम होता है तो बहुत सब सब और ऑल्सो बिकॉज इट इज सक्सेसफुल और ज्यादा यू नो सब लोगों को पता होता है कि वी हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो और ज्यादा लोग अपने तरफ से ना एवरीबडी पुट्स इन देयर बेस्ट. या वंडरफुल. मेरे को कोर्ट के सो बारे में बात करना है. चैतन्य तमाने इस कोर्ट एंड अ लिटिल ट्रिविया ऑन द गाय. ही इज अ ब्रिलियंट फिल्म मेकर हु मेड दिस मूवी कॉल्ड कोर्ट विच रैन ऑल ओवर द वर्ल्ड. बहुत ही सक्सेसफुल, उसको क्रिटिकली ऑल्सो अक्लेम्ड, डिड रियली वेल. बट ही वॉज जस्ट ऑल ऑफ 23 ईयर्स और ऐसा ट्वेंटी कुछ. फाइव वेन ही वॉज डूइंग कोर्ट या ही वॉज 25. He was 25 years old, very young and path breaking filmmaker. You guys should absolutely watch that film. I know it's on my bucket list. I was doing some research in your work, so I came across Court and I was then caught up in Court. तो मैंने बोला कि ये देखना चाहिए. तो उसके बारे में हमें थोड़ा बताइए, वो मूवी के बारे में, वो आपको कैसे मिली? अगेन यू नो समटाइम्स यू आर लाइक फॉर्चुनेट जस्ट फॉर्चुनेट देयर इज नो अदर बिकॉज देयर आर मेनी एक्टर्स यू नो हु आर देयर विथ यू एंड हु मे बी यू दे आर मेनी ऑफ देम आर बेटर देन मी बट जस्ट गेटिंग दैट अपॉर्चुनिटी इज समथिंग यू नो नोबडी कैन गेस हाउ यू गेट इट. वन थिंग आई वॉज डूइंग अ प्ले कॉल्ड पिया बेहरू पिया एंड इन दैट देयर वॉज दिस वन ऑफ द एक्टर्स वॉज प्लेइंग अ डबल कास्ट हिज नेम इज सचित पुराणिक एंड ही वॉज कास्टिंग फॉर दिस फिल्म एंड ही सेड कि यू हैव सीन यू वर्किंग एंड आई थिंक यू आर परफेक्ट फॉर दिस रोल बट आई एम नॉट श्योर वेदर यूल बी कास्टेड ऑर नॉट बिकॉज द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर दे आर वेरी वेरी चूजी सो यू ट्राई इट आउट कम फॉर द ऑडिशन एंड लेट्स सी वॉट हैपन्स. आई वेंट फॉर द ऑडिशन एंड माई ऑडिशन वॉज वेरी बैड मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा तो और इस वे ऑफ ऑडिशनिंग वाज आल्सो वेरी डिफरेंट. ऐसे नहीं कि लाइंस दे दिए और आप वो अभी एन एक्टर. ही इंटरव्यूड ही आस्क्ड लॉट ऑफ क्वेश्चंस फिर कुछ इम्प्रोवाइजेशन किए तो उस समय मुझे लगा आई वाज नॉट कंफर्टेबल तो मुझे लगा कि नहीं होगा मेरा सिलेक्शन. फिर मैंने आई सेंड अ मैसेज टू सचित कि आई डोंट थिंक माय ऑडिशन वाज क्वाइट गुड बट आई वुड लाइक टू ट्राई बिकॉज आई लाइक द वे दे डिड द ऑडिशन बिकॉज बहुत कम ऑडिशंस बिल्कुल इंडिया में ऑडिशंस लेने नहीं आते लोग बहुत कम लोग हैं जिनको ऑडिशंस लेने आते हैं तो
आई रियली फेल्ट वेरी यू नो नाइस कि ऐसे तरीके से कोई ऑडिशन ले रहा है. देन आई डिड अनदर राउंड ऑफ ऑडिशन एंड देर वॉज दिस मीटिंग विथ चैतन्य. तो उसने बहुत मुझे अपने बारे में पूछा कि वाई डू यू थिंक वॉट इज योर जर्नी टिल नाउ, वॉट डू यू वॉन्ट टू डू, ऐसे बहुत सारे ऐसे सवाल पूछे विच वॉज नॉट रिलेटेड टू एक्टिंग एट ऑल. एंड आई फेल्ट दैट कि नहीं, आई हैव टू वर्क विद दिस मैन बिकॉज ही हैज सम अदर सेंस. आई रियलाइज एंड देन आई टोल्ड सचित कि मुझे तो करनी है ये, कुछ भी हो, वर्कशॉप्स हो, आपका ऑडिशन हो, वट एवर यू नो, वेर एवर आई कैन कम आई कम एंड यू नो हेल्प यू आउट. अगर आपको लास्ट मोमेंट पे लगे कि नो इट्स नॉट वर्किंग यू टेल मी. तो मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, फिर चैतन्य ने भी मुझे स्क्रिप्ट बोला कि पढ़ लो आप, यू नो कम कम फॉर द वर्कशॉप्स. दे डिड क्वाइट अ बिट ऑफ वर्कशॉप्स टू चूज द एक्टर्स. सो आई यूज टू कम देयर, दो इट वॉज नॉट माई ऑडिशन, आई यूज टू बी देयर, आई यूज टू रीड आउट माई दैट कैरेक्टर्स लाइन्स, नूतन्स लाइन्स. एंड ड्यूरिंग इट वॉज लाइक 6 months लॉन्ग प्रोसेस. वी स्टार्टेड इन ऑगस्ट एंड आई थिंक पीरियोडिकली ना हर 15 दिन बाद या 10-20 दिन बाद मुझे वर्कशॉप के लिए बुलाते थे किसी और के साथ वगैरह वगैरह. इट हैपेंड टिल दिसंबर एंड टिल देन इट वॉज नॉट फिक्स्ड. एंड इन जनवरी आई फेल्ट कि पता नहीं है मुझे सिलेक्ट करने वाले हैं कि नहीं. तो आई रोट अ मेल टू सचित एंड चैतन्य कि सी आई एम इंटरेस्टेड, आई विल बी देयर टिल द लास्ट मोमेंट, बट इट विल आई रियली हैव ड्यूरिंग दिस प्रोसेस आई रियलाइज दैट आई लव द स्क्रिप्ट, आई वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ. फिर मुझे समझ में आया कि और दो एक्टर्स हैं मेरे साथ, एक्ट्रेसेस, जिनका शॉर्ट लिस्टिंग हो गया है. फिर मुझे लगा कि पता नहीं मेरा होगा कि नहीं होगा, बट इन फेब्रुवरी चैतन्य टोल्ड मी कि यू हैव बीन सिलेक्टेड. एंड आई सेड कि बहुत कम पैसे थे, पैसे थे ही नहीं, तो मैंने कहा ठीक है जाने दो, आई एम नॉट गोइंग टू थिंक अबाउट मनी, आई एम नॉट गोइंग टू थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स बिकॉज दिस इज एन इम्पोर्टेंट फिल्म. आई कुड अंडरस्टैंड कि ये जो लड़का है ही इज अमेजिंग, हिज राइटिंग इज वेरी गुड, हिज विजन आई कैन अंडरस्टैंड वॉट ही इज ट्राइंग टू मेक एंड आई वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ दिस फिल्म, दैट आई न्यू. एंड देन इट हैपेंड ड्यूरिंग शूटिंग ऑल्सो. कहाँ पता था, मुझे तो लगा था कौन रिलीज करेगा ये फिल्म, कौन देखेगा ये फिल्म, ऐसे लग रहा था. बट या आई गॉट But it took off and how? Because मैं उसके बारे में कल रिसर्च कर रहा था. They are saying one of the best movies to have ever come out of India. No one has ever made a movie like this. I was watching the trailer. एक बार देखा फिर मेरे को फिर से मन किया देखने का. तो मैं बार बार ट्रेलर ही देख रहा था. Because it was so powerful even the trailer. तो एंड ही हैज सम अदर, ही इज अ जीनियस, आई फील ही इज अ जीनियस, यू नो. एंड ऑफ कोर्स अल्फोंसो क्यूरोन हैज आल्सो सेड दिस, सो आई एम नोबडी, बट व्हेन आई वर्क्ड विद हिम आई फेल्ट दैट नो ही हैज समथिंग. ही इज एक्स्ट्रा नॉट अ पर्सन हु एक्सपेक्टेड इज मतलब ऐसे नहीं है कि एक फिल्म बनाई फिर और एक फिल्म बनाई फिर और एक, नहीं, वो जो कुछ करेगा वो अपने यू नो कन्विक्शन पैशन अगर वो है तो ही वो करेगा. ऐसे नहीं कि कोई प्रोजेक्ट किया या नो कमीशन कुछ. ही इज अ ट्रू आर्टिस्ट, अ ट्रू सिनेमा लवर. नाइस नाइस. अच्छा टेल मी if we can go into some personal sort of areas of life. You're married to Atul Kulkarni ji, and can you tell us a bit about how that happened, that meeting happened the first time? How did you guys get to know each other? Because you went into NSD, I'm guessing he was also National School of Drama alum or He was my senior, 1 year senior, and he's also Maharashtrian. So हम लोगों का मराठियों का एक ग्रुप था. हम लोग मिलते थे शाम को, कुछ पढ़ते थे, कॉफी पीने जाते थे. तो he was like वो थोड़ा सा ना उसको आदत थी कि सबको इकट्ठा करें, लेके जाएं ना. तो this kind of he used to like that कि हम सब इकट्ठा रहें, हम पढ़े हैं. और I like that quality of his and of course तो उस समय दोस्ती हुई. फिर राइट then I proposed him and so he said after a lot of thinking he said yes. and then immediately after getting out of NSD we got married. ओके So it's नाइस like now like 25 years of वंडरफुल married life and
इतना ही कुछ, आप लोग क्या, नथिंग आप एक्साइटिंग. लोग मूवीज के बारे में ही डिस्कस करते हो? आई एम श्योर यू गाइस डिस्कस लॉट ऑफ अदर थिंग्स आल्सो, बट लाइक फंडामेंटली तो आप लोग का एक ही प्रोफेशन है, तो यू गाइस टॉक अबाउट इंटरनेट. या वी डिस्कस अ लॉट, वी क्रिटिसाइज ईच अदर अ लॉट. आई थिंक हमारे लाइक हाँ मतलब नॉट दैट एवरी टाइम वी आर ऑन वी एग्री विथ ईच अदर. देर आर लॉट ऑफ डिसएग्रीमेंट्स, देर आर लॉट ऑफ कि ये इस प्रकार की कहानी, इस प्रकार का सिनेमा उन्हें अच्छा लगता है, मुझे एक प्रकार का सिनेमा अच्छा लगता है. ये सब बहुत अलग अलग, ये भी है बहुत चीजों पे. ये भी है कि ना मतलब देर इज ओनली वी बोथ अग्री विथ ईच अदर. देर आर लॉट ऑफ थिंग्स आई हैव लर्न फ्रॉम हिम बिकॉज ही इज अ वेरी वाइज पर्सन. ही हैज अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपल, अंडरस्टैंडिंग ऑफ यू नो जो जो क्या कहते हैं आप, प्रैक्टिकल चीजें जो होती है ना. मतलब मैं थोड़ी ड्रीमी हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा ना वो आर्टिस्ट टाइप जोन है मेरा. कभी कभी मैं सोचती हूँ क्या, अरे वो क्या बढ़िया बात, मैं ये करूंगी वो करूंगी, तो वो यू नो ये प्रैक्टिकली सोचो. सो इज वेरी प्रैक्टिकल. एंड अदर गुड थिंग अबाउट हिम इज ही टेक्स सो मच ऑफ एफर्ट, यू नो इवन टूडे ही बाय हार्ट हिज लाइन्स. यू नो अगर बंदिश बैंडिट वो उनकी आई सीन सीरीज इट है, उनमें लव ही इट. इज नॉट अ सिंगर, वो पूरा याद करते हैं जो ये होता है ना सरगम जो होता है, वो पूरा याद करते हैं. एंड इट इज सो डिफिकल्ट इफ यू आर नॉट अ सिंगर एंड यू हैव टू लर्न दैट सरगम. इट्स नॉट इजी एट ऑल, इवन फॉर अ सिंगर इट्स डिफिकल्ट. बट सो ही पुट्स इन सो मच ऑफ एफर्ट, ही डजंट टेक एनीथिंग ऐसे नहीं कैजुअली. नो ही पुट इन हिज, ही विल सी टू इट कि सबका फायदा हो. ही विल नेवर मतलब मैं मराठी फिल्मों में क्या होता था बहुत बार, जब ही वाज डूइंग लॉट ऑफ मराठी फिल्म्स, एनीबडी यूज टू कम, वी हैव मनी, वी वांट टू प्रोड्यूस. सो इज इट, ऐसा नहीं है प्रोड्यूसर को ये करना पड़ता है ये. सो ही टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, इज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन. एंड दैट रियली यू नो अमेजेस मी कि इतना कोई सबकी सबके बारे में कैसे सोच सकता है और सबको कैसे यू नो सबका फायदा हो, किसी का नुकसान ना हो, कम से कम लॉस हो किसी का भी. अगर कुछ ऐसे कभी कभी वेंचर्स होते हैं कि जिसमें लॉस होने वाला पता है, लेकिन कम से कम तकलीफ हो किसी को भी. तो आई थिंक इज अ वंडरफुल ह्यूमन बींग. हम बहुत झगड़ते हैं, ऐसा नहीं है, अभी सब अच्छी अच्छी बातें कही है, लेकिन ऐसा पार्ट नहीं, बहुत झगड़ते भी है. और एंड पार्सल. हाँ बट यू नो मुझे लगता है कि हम वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स, यू नो जैसे तो आई टू फाइट विथ माई मदर ऑल्सो, आई फाइट विथ माई सिस्टर ऑल्सो. तो ऐसा तो नहीं, मैं तो ऐसे नहीं हूँ कि मैं जो मन में आता है बोल देती हूँ, तो झगड़ा तो होना ही है. तो दैट इज ओके, बट वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स. आई फील दैट यू नो वी केयर फॉर ईच अदर, वी केयर फॉर ईच अदर्स फैमिली. वी आर वेरी पैशनेट अबाउट द वर्क वी डू, द काइंड ऑफ वर्क वी डू इन आर विलेज विथ आर विलेज चिल्ड्रन. तो ये सब चीजें हैं, इन सब मामलों में हम बहुत सिमिलर है. जैसे वी आर मिनिमलिस्टिक, वी ट्राई टू यू नो वी आर नॉट पार्टी एनिमल्स, वी डोंट लाइक टू I've गो heard you say that पार्टीज. कि आप लोग बहुत ही especially you believe in a very simple lifestyle, you're not very needy, आपको ज्यादा demands नहीं है, आपको बहुत खुशी मिलती है बस basic चीजें करने में भी, because you feel like having more things complicates life more, so just keep life simple. Options बहुत एक ज्यादा कपड़े होंगे तो कितना फोल्ड करना पड़ेगा, ठीक से रखना पड़ेगा, नहीं कम कपड़े अच्छे. अच्छे. बहुत ज्यादा सोना होगा टाइमिंग तो भी कितना बनती है. टेंशन रहेगा. और ट्रैवलिंग के लिए कहाँ पसंद करते हो आप, इंडिया में या बाहर कहाँ जाते हो आप? एज आई टोल्ड यू मैं ऐसे ट्रैवल करती हूँ, मैं ट्रैवलिंग के लिए कहीं जाना है ऐसा मेरा बहुत कम बार होता है. व्हाट आई डू व्हेन आई गो टू लाइक पिया फेरुपिया के कारण हम पूरा पूरी दुनिया घूमे. पिया फेरुपिया इज द प्ले विच आई डिड विच वॉज ओपन एट विच प्रेमियर एट ग्लोब थिएटर. वी केम टू कैनेडा, वी परफॉर्म इन वैनकूवर, वी परफॉर्म इन टोरंटो, वी वाह. परफॉर्म इन शिकागो, वी वेंट टू पेरिस, वी वेंट टू नीस, वी वेंट टू सिंगापुर, वी वेंट टू कोरिया, बहुत सारे जगह हम गए, चिले गए. You've traveled a lot, या man. You've traveled, you've पूरा देख के आए. या सो आई ट्रेवल, सो दैट्स वाई माई थिएटर टुक मी टू ऑल प्लेसेज. आई ट्रेवल्ड ऑल ओवर महाराष्ट्र, आई ट्रेवल्ड ऑल ओवर इंडिया बिकॉज ऑफ माई थिएटर, बिकॉज ऑफ सम वर्कशॉप, बिकॉज ऑफ सम शूटिंग. एंड लाइक
लास्ट ईयर आई वेंट टू सर्बिया फॉर अ शूट, देन आई स्टेड ओवर. सो कभी भी मैं ऐसे जाती हूँ किसी काम के लिए तो मैं वहां रुक जाती हूँ, फिर वो एक्सप्लोर करती हूँ, वो जगह देखती हूँ आजू बाजू में, एंड देन आई सो घूमी बहुत हूँ. बट कुछ ऐसे पर्पस चाहिए मुझे, ऐसे मुझे कुछ ऐसे एग्जॉटिक प्लेस में जाना है या ऐसे मैं 10 दिन का टूरिस्टिक. टूर करके नहीं आना है, मतलब कुछ ज्यादा आई होनी डोंट चाहिए। लाइक दैट एट ऑल. वो टूरिस्टिक बिल्कुल नहीं है, कुछ एक्सप्लोर करना हो ना, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ थिएटर देखना है, अगर कुछ फिल्म फेस्टिवल है, या कहीं पे कुछ म्यूजियम है. तो जैसे मैं जब पेरिस घूम रही थी तो माई एम वॉज टू सी ऑल द म्यूजियम्स. व्हेन आई वॉज इन लंडन आई सॉ ऑल थिएटर्स, इन द सेंस ऑल द शोज इन डिफरेंट वेस्ट एंड में, या यू नो नेशनल थिएटर में, या कहीं तो ऑल काइंड्स ऑफ. इवन आई वॉज इन टोरंटो ऑल्सो, अदर देन अवर शोज आई वेंट टू ऑल काइंड्स ऑफ थिएटर्स एंड सॉ यू नो आई सॉ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लेस. तो ये मेरा पैशन है, मुझे लगता है, मुझे आई लव दैट. मुझे आप ऐसे ही कहीं टूरिस्टिक जगह लेके जाओ तो आई फील वेरी. इन वेनिस आई वॉन्ट टू वेनिस फॉर कोर्ट्स प्रेमियर, एंड आफ्टर प्रेमियर आई एंजॉयड द प्रेमियर, इट वॉज सो ब्यूटिफुल. वी वेंट यू नो दे इन्वाइटेड अस फॉर लॉट मेनी पार्टीज एंड वट एवर. हम लोग घूम रहे थे, रात को हम ट्रैवल करके मेनलैंड आते थे, देखते थे हर जगह वगैरह वगैरह. और उसके बाद मैंने कहा मैं अभी रुकूंगी वेनिस एंड आई विल सी ऑन माई ओन, एंड आई गॉट सो बोर्ड बिकॉज इट वॉज सो टूरिस्टिक, इट वॉज राइट सो मेनी पीपल, इट वॉज क्राउडेड, एंड बाबा रे मुझे लगा कि क्यों आई हूं मैं यहाँ पे. बिकॉज हम लोग इतने अच्छे जगह थे, कम लोग थे, हम लोग रात को मेनलैंड आते थे तो ज्यादा रश नहीं होता था वहां पे. सो आई थिंक थोड़ा ना आर्टिस्ट लोगों को पैम्पर भी करते हैं ना लोग, तो हमको वो आदत लग गई, तो ज्यादा टूरिस्टिक टूरिस्टिक अच्छा नहीं लगता. स्पिरिचुअलिटी के बारे में आप कि क्या थॉट्स हैं, आप कितना स्पिरिचुअल अपने आप को मानते हो? इट्स वेरी डिफिकल्ट, ऐसे मैं स्पिरिचुअल वगैरह नहीं हूँ, बट आई हैव डन विपश्यना एंड आई डोंट से आई फॉलो, आई फॉलो विपश्यना, बट आई रियली लाइक दैट काइंड ऑफ मेडिटेशन, इन द सेंस कि खुद को देखो ना, खुद के ब्रेथ को देखो. आई डोंट बिलीव इन एनी पावर्स और समथिंग लाइक दैट. मुझे लगता है हम जो करते हैं उसके लिए हम खुद जिम्मेदार होते हैं, और माहौल या जो उस समय जो यू आर प्रोडक्ट ऑफ द टाइम एंड एरा, तो आपके साथ जो होता है वो उस टाइम एंड स्पेस के कारण होता है. आई डोंट बिलीव इन डेस्टिनी एट ऑल. मुझे लगता है कि इतने करोड़ों पॉपुलेशन में किसी के साथ कुछ ना कुछ होगा ही, तो आई डोंट फील कि मेरे साथ क्यों हुआ, मेरा नसीब ऐसा है वगैरह. आई डोंट बिलीव इन दैट एट ऑल. अच्छा काम करना चाहिए जितना हो सके, और पूरी शिद्दत के साथ काम करना चाहिए, पूरी ऑनेस्टी के साथ काम करना चाहिए जितना हो सके. और आई थिंक एफ मेहनत हैज गॉट नो अदर ऑप्शन. मेहनत मेहनत करनी जरूरी है. किस कोई भी आप कुछ भी काम करो, मतलब आप खाना बना रहे हो, आप एक्टिंग कर रहे हो, आप किसी कॉल सेंटर में काम करते हो, आप किसी होटल में काम करते हो, आप कहीं पर भी हो. मतलब मैंने देखा है कि मेरे घर में जो खाना बनाती है मेरी जो कुक है, उनके वजह से मैं अपना काम कर पाती हूँ, या मेरे फार्म हाउस पे जो मेरे केयर टेकर, वो इतना मेहनत लेते हैं, इतना प्यार से सब अपना काम करते हैं, तो आई हैव लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम देम. सो आई फील दैट वी शुड नॉट यू नो डिमीन एनी काइंड ऑफ वर्क. एवरी वर्क इज इम्पोर्टेंट, एवरी वर्क इज नेसेसरी फॉर अस, उसमें मेहनत बहुत है सबकी. तो मेरे लिए यही यही स्पिरिचुअल जर्नी है, मुझे नहीं लगता. एंड रिस्पेक्ट, यू टू रिस्पेक्ट एवरीबडी, यू टू गिव डिग्निटी टू एवरीबडी, तो ही आप वो स्पिरिचुअल जो है. मैं अपने आप में बहुत स्पिरिचुअल हूँ और मैं दूसरों को बुरी तरह ट्रीट कर रही हूँ, तो क्या यूज है उस स्पिरिचुअलिटी का. एंड हाउ मच ऑफ अ वोकल क्रिटिक आर यू कि मैं अगर मुझे दिख रहा है कि समाज में ये सारी गलतियां हो रही है, बिकॉज एज एन एक्टर यू आर नॉट एन एक्टिविस्ट, यू आर एन एक्टर,
But at the same time, there are actors that want to be a voice of society. They consider themselves to be influential, which is a good thing. They have the platform. तो आपको कितना खलती हैं ये सारी चीजें जब आप पढ़ते हो न्यूज में, इतना जब अच्छा हो रहा होता है तो उतना भी अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन जब कुछ गवर्नमेंट को लेके कोई बातें उठती हैं या समाज में इन जनरल प्रॉब्लम्स होती हैं, अभी इंटरनेशनल वुमेन्स डे था जैसे कल, तो वेर आर वी हेडिंग, इन सब चीजों के बारे में आई बात. डोंट लाइक सोशल मीडिया, आई डोंट लाइक, नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ सोशल मीडिया. मुझे, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन. मेनी पीपल आर डूइंग वेरी गुड वर्क हाँ थ्रू सोशल मीडिया, आई एम नॉट, बट आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन. मुझे, मैं जो स्टोरीज चुनती हूँ, आई सी टू इट कि आई एम टेलिंग अ स्टोरी. आई एम वेरी ऑनेस्ट टू माई सेल्फ. मैं ये जो स्टोरी चुन रही हूँ, मैं ये देखती हूँ कि मैं ये क्यों कर रही हूँ, उसका पॉलिटिक्स सही है क्या नहीं, डू आई एग्री विद दैट पॉलिटिक्स और नॉट. सो आई ट्राइड इन दिस इज, आई थिंक दिस इज इन माई कैपेसिटी विच आई डू इट. जैसे गुल्लक का पहला डायलॉग है, खुद की चड्डियां धोना नहीं सीखा है अभी तक इन्होंने. दैट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, यू नो. राइट सो राइट आई थिंक, सो आई सिलेक्ट एंड वेन एवर देर इज समथिंग, यू नो, कभी कभी कुछ डायलॉग्स में या कभी कभी कुछ आ जाता है, तो आई एम वोकल अबाउट इट. आई टेल द राइटर्स, आई मतलब मैं अपना जो मेरा जो व्यू है वो बताती हूँ, एंड इफ दे अग्री आई रियली फील गुड अबाउट इट. आई वर्क विथ आदिवासी चिल्ड्रन, उसमें ट्राइबल चिल्ड्रन, तो उस समय मुझे बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं. मुझे भी पता चलता है कि व्हाट, सो आई बिलीव इन प्रैक्टिसिंग दैट रादर देन, यू नो, पुटिंग इट ऑन सोशल मीडिया. आई फील कंफर्टेबल, क्योंकि सोशल मीडिया पे क्या है, मैं कुछ बताऊंगी ना तो कोई भी कुछ भी बोल देता है. मतलब अच्छा भी बहुत ज्यादा बोल देते हैं, मतलब अरे यू आर डूइंग ग्रेट वर्क वगैरह वगैरह, उसमें टाइम जा रहा है. मतलब उससे अच्छा तुम कुछ करो, या फिर अरे ये क्या तुम सिर्फ दिखाई रही हो, तुमको ये सब में क्यों Then you टाइम get गंवाना dragged है. into some controversy कि उसने ये बोला, इसने ये किया, and फिर it आपका मूड खराब हो जाएगा, आप ये करो क्यों करना है यार, मतलब कुछ नहीं होगा. मतलब दैट इज नॉट माई मीडियम एट ऑल, तो दैट्स फिर नॉट माई तो मीडियम एट आई ऑल. वांटेड टू काइंड ऑफ एक्सप्लोर, बिकॉज आई आल्सो हैड हर्ड इन योर इंटरव्यूज यू टॉक्ड अबाउट आदिवासियों के साथ काम करना. आप किसी एनजीओ में काम करते हो, किसी गांव में जाके आप रहे भी हो, आप वहां बहुत अक्सर रहते हो कोविड के टाइम पे, आल्सो यू स्पेंड ऑल ऑफ योर कोविड टाइम देयर. कैन यू टेल अस अ बिट अबाउट दिस प्लेस एंड योर एफर्ट्स इन दिस एनजीओ? सी, I joined this NGO in two, joined rather, we were the founders of the NGO in 2007. We started this in a village called Sonare, which is just 120 kilometers from Mumbai. So I have a house there. I मतलब I built a house there, सॉरी, and व्हाट्स द नेम ऑफ द एनजीओ? सॉरी, क्वेस्ट, क्वालिटी एजुकेशन सपोर्ट ट्रस्ट. नाउ आई एम नो मोर विद द NGO, बट आई वर्क विद द NGO फॉर नियरली 12 इयर्स. आई यूज टू रन वन प्रोग्राम कॉल्ड गोष्टरंग, वेर वी क्रिएटेड प्लेज बेस्ड ऑन शॉर्ट स्टोरीज एंड परफॉर्म देम इन ऑल आदिवासी स्कूल्स, जिला परिषद स्कूल्स, एंड दोज परफॉर्मेंसेज वर क्रिएटेड बाय फाइव सिलेक्टेड आर्टिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर महाराष्ट्र. दिस वॉज ऑल इन मराठी, एंड दिस द बेसिकली द प्रोग्राम्स मेन एम इज टू एनहेंस रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स इन चिल्ड्रेन. So I ran that program for nearly 4 years. It's still running, but I'm not part of it now. But I still work with village children. So I do different, I curate some programs for them. I bring some theater pieces in my village. I also ask some young theater actors, local theater actors, to train our children. And a lot of other activities, art classes, we show films. They come to our place for a night over, and you know, we do reading sessions, we see a film, games खेलते हैं, ऐसा सब है. कोविड के समय हमने काफी गाने सीखे, स्टोरी टेलिंग सीखा, तो हम सब एक साथ मिलके काम करते हैं. देर आर अराउंड 10-12 चिल्ड्रन फ्रॉम द विलेज हु आर क्लोजली एसोसिएटेड, प्लस देर आर मेनी चिल्ड्रन हु कम टू सी द प्लेज, एंड यू नो, वॉट एवर परफॉर्मेंसेज वी ब्रिंग टू विलेज. तो ये काम है जो, विच इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट, एंड आई एक्चुअली लाइक डूइंग इट अ लॉट. तो ये सब मुझे लगता है, ये काम करना जरूरी है,
पर यू नो आई यूज टू शो इट टू यू नो सोशल मीडिया पे है भी एक पेज, मुझे बार बार वो डालना और ये सब करना अच्छा नहीं लगता. आई मुझे मेरे बारे में भी लिखना अच्छा नहीं लगता सच कहूँ तो, बट इट्स पार्ट ऑफ माई प्रोफेशन तो थोड़ा बहुत वो करना पड़ता है. आई फील आई एम नॉट अ सोशल मीडिया पर्सन एट ऑल, आई एम वेरी बैड एट इट. आई डोंट लाइक टू पोस्ट कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं यहाँ गई, मैं वहां गई, मैंने ये खाया, मैंने ये पिया, क्यों बताना है दुनिया को. आई एम सो बोरिंग, मुझे तो लगता है मैं इतनी बोरिंग हूँ, मुझे नहीं ऐसा लगता है कि मेरे बारे में इतना सब कुछ पता चले. हाँ द कैरेक्टर्स आई डू उसके बारे में पता चले, दैट इज विच आई रियली एंजॉय एंड आई वॉन्ट पीपल टू नो अबाउट इट. बट माई पर्सनल लाइफ यू नो आई डोंट थिंक, मैं जो ये कर रही हूँ बच्चों के साथ, दैट्स फॉर माई जॉय, दैट्स फॉर माई हैप्पीनेस, एंड इन रिटर्न इफ समथिंग यू नो गुड हैपेंस विद तो देयर लाइव्स, आई एम हैप्पी फॉर दैट. एंड नॉट नेसेसरीली इट विल हैपन, यू नो वी डोंट नो व्हाट 10 साल के बाद वो बोलेंगे, अरे ये क्या महिला सिखा रही थी हमको, हमको तो कुछ वेस्ट कर दिया इसने हमारा टाइम, ऐसे भी बोल सकते हैं. वी डोंट नो, हम नहीं अपने पेरेंट्स को गाली देते हैं तो वैसे वो भी करेंगे शायद, पता I'm नहीं. sure they will also reap very nice benefits from it for such an नहीं initiative. पर हम लोग ने स्कूल में ये सब एक्सपीरियंस नहीं किया था, तो अगर उनको वो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आई थिंक इट्स वंडरफुल, इट्स या आई नो ब्यूटीफुल. इट इज गोइंग टू हेल्प देम, बट यू नो यू आई डोंट डू इट फ्रॉम एनी एक्सपेक्टेशन. Of आई एम course. डूइंग इट, आई एम डूइंग इट बिकॉज इट गिव्स मी जॉय, दैट्स माई ओनली रीजन. आई डोंट वॉन्ट टू चेंज द वर्ल्ड, आई डोंट वॉन्ट टू चेंज देयर लाइव, बिकॉज दैट इज नॉट इन माई हैंड्स. देयर इज अ होल सिस्टम विच वर्क्स, मैं क्या करूंगी, मैं एम नोबडी, आई डोंट हैव एनी पावर. आई Right. कैन जस्ट शेयर माई हैप्पीनेस विद देम, Fair enough. Fair enough. ओनली दैट. तो मैं वो काम करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है वो काम. तो Okay. I आई don't. एम नॉट वोकल अबाउट एवरीथिंग, आई डोंट पोस्ट, आई रियली नॉट इन टू यू नो टेलिंग पीपल. आई चूज माई स्क्रिप्ट, आई वर्क विथ चिल्ड्रन, आई ट्राई टू बी ऑनेस्ट टू माई सेल्फ. आई सी टू इट दैट वट एवर आई से एंड वट एवर आई डू देर इज लिटिल गैप इन दैट. इट्स नॉट ऑलवेज पॉसिबल बट आई ट्राई टू डू दैट, तो ये कोशिश करती हूँ. All right. I think with that we've come to the end of this interview. Do you have any last thoughts you want to share? Any things people should look out for? Any works you have in the pipeline or just in general? Kuch bhi agar aapko lagta hai, nahi bhi lagta hai, toh it's okay. You don't have. No, there are a lot of work. वो तो आपको पता ही चलेगा. आई जस्ट सिंग फ्यू लाइन्स फॉर यू, उसने मुझे सिखाया था, तो जस्ट फ्यू लाइन्स गुनगुनाएंगे तो लोगों को थोड़ा मजा आएगा, मुझे भी मजा आएगा. बाया पावसान लावीली झिम झिम भिजली उदासल मन बाया पावसान. Thank you so much. I really मोस्ट had a वेलकम, wonderful experience listening to you and talking to you. Thank you so much for the opportunity. थैंक यू बस.